जल निकासी की समस्या को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने तहसील में काटा हंगामा, कानून के ऊपर लगाया गाली गलौज करने का आरोप। मंगलपुर थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत गहलापुर में जहां तालाब नुमा गड्ढे में गांव की नालियों का पानी और बरसात का पानी एकत्रित हो जाता है, जल निकासी न होने के कारण दूषित जल में बीमारियों को पनपने में सहायता मिलती है, जिससे बीमारी का बड़ा खतरा रहता है, जिसको लेकर ग्रामीणों में प्रधान से नाला खुदवाने की मांग की थी, मगर ग्राम प्रधान ने इस पर कोई दिलचस्पी न दिखाते हुए दरकिनार कर दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने अपने पास से चंदा कर नाले की खुदाई कराई, तो वहीं पास के ही रहने वाले कुछ दबंग लोगों ने नाले की खुदाई का विरोध कर गाली गलौज की। सैकड़ों ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी से शिकायत भी की। मामले की जांच में पहुंचे कानूनगो ने ग्रामीणों की बात न मानकर नाले को पुरवा दिया। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मेरे द्वारा बार बार मना करने के बाद भी कानूनगो ने एक ना माने, उल्टा मेरे साथ गाली गलौज के साथ कर दी। ग्रामीणों के साथ पहले भी कई बार चर्चा में रह चुके हैं कानून गो सुरेश कुमार गौर। दादा क्या नाम है आपका? छोटे लाल। छोटे लाल जी, क्या दिक्कत है जो आप लोग यहाँ पे इतने सारे लोग जिलाधिकारी यहाँ हैं? साहब नाला का दिक्कत है, पानी निखर बे, ताल भर जाते हैं तो डूब जाते, इतने इतने पानी उजात कर यहाँ होते हैं तो साहब ये निखरन नहीं देते। कौन लोग नहीं निकल रहे? राजेश, सर्वेश, लक्ष्मी नारायण, राम बहादुर और जयकरण, इतने आदमी खोदन नहीं दे नाला। नाला खुदो तो काल पुरा दो। कानून साहब वो पता नहीं कहा नाम कानून है सुरेश। आप लोगों ने इसकी शिकायत किसी शासन को सरकारी से की है? अरे गाड़ी पकड़े थे कानून, गाड़ी हुआ कारण हम लोग गए तब कहा लगे कि भाग जाओ यहाँ से, झंझट करने आए थे। क्या झंझट करने आए? भाग जाइए यहाँ से, दौड़ भरे हुए जो नशे उपाय थे तुमके। बिल्कुल हकीकत है साहब, अजान के मारने घर की। हाँ हथिया लक्ष्मी नारायण लाए हथिया, वो धराती वालों। क्या नाम है आपका? बिरला देवी। किस गांव में रहती है? बद्दापुरा। आज आप लोग यहाँ पे उप जिलाधिकारी के आएंगे, क्या है मामला आपका? नाला के लिए सर। क्या है नाला की दिक्कत? सर दिक्कत है, वो लोग खुदने नहीं देते, दारू पी के गाली गलौज करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं सारे दिन। राम बहादुर और राजेश, सर्वेश और जयकरण, सारे लोग गाली देते हैं, लोगों का बहुत परेशान करते हैं, लोगों का बहुत गाली गलौज करते हैं और मारपीट का आ जाते हैं इकट्ठे होकर। बहुत बहुत हम लोगों ने करी है, कल पुलिस पुलिस गई थी वो भी नहीं करी, वो लोग दारू की वजह से कोई सुनते नहीं है, दारू पी लिया था तब हम लोगों ने खुद ही गारू दिन राम बहादुर। बहुत उन्होंने यही कहा है कि आप जो कार्रवाई कर रहे हैं तो आप करो, वे लोग तो सब लोग यही कह रहे हैं कि खुदवाओ जो हम लोग करो, लेकिन वो लोग खोदन नहीं दे रहे, जो खोदो से पानी खोल देते हैं, इतना पानी सारे लोग सब खोल देते हैं शाम का ही। ग्राम प्रधान ने क्या कहा अभी तक? वो तो कह रहे जब आप लोगों ने चंदा करी तो आप लोग खुदवा आए तो आते, वे उनकी भी नहीं सुनी, उन लोग तो आए थे। क्या नाम भैया? मेरा नाम अमनीश है, बद्दापुर रहते हैं हम। आज आप लोग ज़्यादा लोग यहाँ तहसील प्रशासन में आए हैं, क्या करूँ? अरे नाला खुदा था सर, उसके संबंध में हम लोग आए हैं, ये हम लोग नाला के लिए आदेश ले गए थे, कानून को साहब गए जाके इन्होंने गाड़ी गलौज करके उसको पुरवा दिया है, ये कहा नहीं, हम लोगों ने खूब कहा कि हमारी बात सुनो सुनो, किसी ने बात नहीं सुनी, उसको जबरदस्ती पुरवा दिया गया सर। कौन गया था? कानून को गए थे साहब। तो नाला किसने खुदवाया था? प्रधान जी ने खुदवाया ना, ग्रामवासियों ने खुदवाया था अपने चंदे के पैसे से। तो ग्राम प्रधान का क्या कहना है? ग्राम प्रधान उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है, वो कह रहा है कि हम उस पर क्या करें, उसको अपना बनवा लो अच्छा है। तो किसको आपत्ति थी जो ये नाला खुलवाना चाहते जी सर? जिसको सर आपत्ति है वो लोग बनने नहीं दे रहे, राजेश हैं गांव के और एक दो लोग, बस दो लोगों को आपत्ति है। कानून को साहब ने मौके पे जाके क्या कहा? कानून को साहब ने हम लोगों की कोई बात नहीं सुनी, उनकी उनके वहाँ बैठ के उन्हीं की बात सुनी और किसी की बात ही नहीं सुनी। दारू पी के गाली गलौज कर रहे थे वो। सुरेश सिंह ठाकुर है। उन्होंने आदेश कर दिया था लेकिन उन्होंने वो मान नहीं किया, वो हम कुछ नहीं, वो दे गए थे प्रार्थना पत्र, उसी का मान करते ये उन्होंने जिलाधिकारी से पास पहुंच नहीं पाया, उनके पास ये उन्होंने कुछ कहा नहीं, वो जबरदस्ती पुरवाने लगे, बचा के कहीं ट्रैक्टर लाओ बस इसको पुरवाओ, दूसरे किसी की बात ही नहीं सुनी।